और दिल्ली के लिए बड़ी खबर ये कि दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव फिर से होने जा रहे हैं और बीजेपी के मेयर उम्मीदवार शिखा राय नामांकन के लिए पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी ने एकदम आखिर में अपने पत्ते खोले। देखिए, शिखा राय इस बार मेयर पद की उम्मीदवार हैं और ये टक्कर देने वाली हैं इस वक्त जो एमसीडी की मेयर हैं पहले से, डॉक्टर शैली ओबेरॉय, जो कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार भी हैं। आपको ये पता हो कि जब एमसीडी के चुनाव होते हैं तो पहली बार जो मेयर का पद होता है वो महिला के लिए आरक्षित होता है, लेकिन दूसरी बार ये जनरल सीट होती है, इस पर किसी को भी टिकट दिया जा सकता था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर शैली ओबेरॉय के काम पर भरोसा जताया और एक बार फिर से डॉक्टर शैली ओबेरॉय को टिकट दिया एक महिला को, और साथ ही बीजेपी ने भी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करते हुए जनरल सीट पर भी शिखा राय को मौका दिया है। शिखा राय अब शैली ओबेरॉय के आमने सामने होंगी। वहीं बीजेपी की जो डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार हैं वो सोनी पांडे हैं, हालांकि उनके सामने आम आदमी पार्टी के आलिम मोहम्मद इकबाल हैं जो कि इस वक्त एमसीडी में डिप्टी मेयर है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तिथि है, आज आखिरी तारीख है जब नामांकन दाखिल हो सकता है। 18 अप्रैल तक की तारीख दी गई थी कि आपको अपने जो भी उम्मीदवार हैं उनका नाम घोषित करना होगा। इससे पहले डॉक्टर शैली ओबेरॉय और आलिम मोहम्मद इकबाल ये दोनों ही मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए साइमल्टेनियसली अपने अपने नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, अब बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर पहुंची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सोनी पांडे भी दिखाई दे रही होंगी। सोनी पांडे जो आपको सबसे एंड में जो बैठी हुई हैं कुर्सी पर, वो सोनी पांडे हैं और उनके ठीक बगल में शिखा राय बैठी हैं। शिखा राय जो हैं वो मेयर पद की उम्मीदवार हैं। तो मेयर और डिप्टी मेयर पद के ये दो उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही लंबे समय तक सस्पेंस बनाकर रखा, जैसे पिछली बार भी बीजेपी ने कह दिया था कि हम तो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर अचानक से बीजेपी चुनाव में हिस्सा भी लेती है, फिर उसके बाद अपने उम्मीदवार भी उतारती है, फिर उसके बाद जिस तरह से हंगामा हुआ था मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में, वो हंगामा तो शायद कोई दिल्लीवासी भूल सकता हो या कहें कि कोई भारतवासी भूल सकता हो। पूरे इंडिया में उसे कवर किया गया था और एमसीडी के मेयर डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन था वो बहुत ही धमाकेदार रहा था। उसे धमाकेदार इसलिए कहेंगे क्योंकि एक के बाद एक इतनी बयानबाजी हुई है, इतनी उठापटक हुई है एमसीडी के उस सदन में, वो देखने लायक थी। हालांकि देखना ही होगा कि इस बार ये चुनाव कितना दिलचस्प होता है, कितना रोमांचक होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैदान में खुलकर आ चुकी है और पिछली बार के जो बीजेपी के जख्म हैं वो अब तक भरे नहीं हैं। बीजेपी ने लाख कोशिशें की हो लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी का बन नहीं पाया। अब शिखा राय प्रत्याशी बनकर आई हैं बीजेपी की ओर से, तो वहीं सोनी पांडे डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने के लिए आई हैं। आप शिखा राय के बारे में शायद बहुत कम जानकारी रखते हो, अगर तो आपको बता दें कि शिखा राय आखिर हैं कौन। जो बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार हैं वो शिखा राय ग्रेटर कैलाश के वार्ड नंबर 173 से पार्षद हैं और दो बार पार्षद का चुनाव जीत चुकी हैं। साथ ही वो एक एडवोकेट भी हैं। तो ऐसे में जब डॉक्टर शैली ओबेरॉय जैसी एक पढ़ी लिखी महिला मेयर पद की उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक वकील को, एक एडवोकेट को मौका दिया गया है कि वो डॉक्टर शैली ओबेरॉय के सामने आए। शिखा राय न केवल महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश करती हैं बल्कि एक कह सकते हैं कि पढ़े लिखे और सक्षम और सुदृढ़ महिला की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बीजेपी की ओर से आई हैं। सोनी पांडे की अगर मैं बात करूँ तो सोनिया विहार के वार्ड नंबर 249 से वो पहली बार पार्षद बनी हैं। हालांकि पहली बार पार्षद बनते ही इतना बड़ा मौका उन्हें मिल रहा है कि वो डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार बनी हैं। और मेरे सहयोगी तरुण कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अंत में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोले हैं और दो महिलाओं को मौका दिया है। महिला सशक्तिकरण का तो एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ही, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से आप इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं? इस बार का ये मेयर डिप्टी मेयर का जो चुनाव है ये कितना दिलचस्प, कितना रोमांचक होने वाला है?
बिल्कुल हार्दिक, ये रोमांच तब पैदा ज्यादा होगा जब बीजेपी के खेमे की तरफ से ये वापस से दावा किया जाएगा कि क्रॉस वोटिंग की उन्हें आशंका है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, अंतरात्मा का इस्तेमाल करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस बार इस सेकेंड टर्म के अंदर जनरल कैंडिडेट फाइल किए जा सकते थे जी। पहला साल महिला के लिए आरक्षित होता है, लेकिन जो दूसरा साल होता है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व नहीं खुला होता है कि महिला भी उम्मीदवार हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने दोनों महिला उम्मीदवारों को यहाँ पर उतारा है, तो एक ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि शिखा राय एक पढ़ी लिखी महिला है, एमए इंग्लिश रह चुकी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो लेक्चरर रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वो एडवोकेट हैं, दो टाइम की वो काउंसलर हैं और दो बार अलग अलग विधानसभा सीटों से वो बीजेपी के टिकट के ऊपर विधानसभा का चुनाव भी लड़ गई हैं जी। तो ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि ये बहुत एक तरह से लाइट फाइट देने की कोशिश की गई है कि आसान जीत आम आदमी पार्टी दर्ज कर ले। शिखा राय चूंकि राजनीति के अंदर पुराना नाम है और वो किस तरह से अपने व्यक्तिगत संबंधों को वोट के अंदर तब्दील कर पाती है ये महत्वपूर्ण होगा। और देखिए चुनाव है, बड़े उलटफेर की संभावना से कोई भी इंकार नहीं कर सकता, जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते तो कोई भी उम्मीदवार आश्वस्त नहीं हो सकता कि वो जीत उसकी पक्की है। हालांकि संभावना जरूर ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी फर्स्ट टर्म की तरह ही सेकंड टर्म भी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर भी जब निर्विरोध चुनाव होता है तो एक अलग उसका जीत का मजा होता है, लेकिन जब प्रतिद्वंदी ललकार करता है, चुनाव लड़ने की पेशकश करता है, उसके पास नंबर्स नहीं है, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ता है, तो ऐसे में बेशक आपके पास नंबर ज्यादा हो लेकिन एक कॉन्फिडेंस जरूर डगमगाता है। तरुण, जब आप ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव को देखते हुए कि आम आदमी पार्टी की जीत लगभग तय है, तो क्यों ना हम पिछले चुनाव के नतीजों पर थोड़ी सी चर्चा कर ले ताकि दर्शकों को ये भी साफ हो जाए कि कैसे डॉक्टर शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल मेयर और डिप्टी मेयर बने थे और कैसे पिछली बार के मेयर और डिप्टी मेयर पद के जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, क्या नंबर गेम रहा था और इस बार क्या नंबर गेम हो सकता है। पहले हम पास्ट की बात कर लेते हैं। देखिए 250 का हाउस होता है और मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के अंदर 250 चुने हुए पार्षदों के साथ साथ चुनाव के अंदर वोट डालने का अधिकार सांसदों का भी होता है, तो 250 प्लस 7 ये आंकड़ा हो गया और इसके अलावा 14 सदस्य दिल्ली विधानसभा से नॉमिनेट होके आते हैं जी। तो अगर ये टोटल कैलकुलेशन अगर हम लगाएं तो ये दावा किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीत कर आए थे, एक निर्दलीय पार्षद ने ज्वाइन किया था, तो 135 का वो आंकड़ा है। इसके अलावा 13 उनके पास विधायकों का वोट है, तो 135 प्लस 13 ये 148 का आंकड़ा बन जाता है और 148 के साथ साथ 3 उनके राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो ये 151 का आंकड़ा बन जाता है। पिछले चुनाव के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी जिसके कारण डॉक्टर शैली ओबेरॉय आसानी से जीत गई थी, लेकिन ये आशंका जरूर हुई थी कि क्रॉस वोटिंग दोनों खेमों से हुई है। आम आदमी पार्टी के भी एक दो वोट इधर उधर हुए हैं और आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी की तरफ से भी वोट आया है, लिहाजा डॉक्टर शैली ओबेरॉय और साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि पार्टी लाइन को ओवरकम ओवर शेडो करते हुए, पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस की भी एक कैंडिडेट ने इस वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल, लिहाजा आयानगर वार्ड से शीतल वेदपाल वो इस बार भी पार्टिसिपेट करती हैं या नहीं करती हैं, तो ये भी एक दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कितनी और तरुण देखना ये भी होगा कि केवल शीतल ही ऐसी पार्षद नहीं है जो क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं, क्योंकि उनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस बार जैसा कि आपने बताया कि जो शिखा राय हैं उनके निजी संबंधों का फायदा उन्हें चुनाव में कितना होता है ये भी देखने वाली बात होगी। इस बीच आपको ये तस्वीर भी हम दिखा देते हैं, आप देखिए इसमें आपको आतिशी नजर आ रही होंगी और जो आम आदमी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल किया गया था वो तस्वीर हमने आपको दिखाई और इस वक्त हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दो महिलाएं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, सफ़ेद रंग के कपड़ों में जो आपको दिखाई दे रही हैं वो हैं एडवोकेट और वार्ड नंबर 173 की पार्षद शिखा राय जो कि मेयर पद की उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ जो नारंगी रंग में आपको दिखाई दे रही हैं वो हैं सोनिया विहार के वार्ड नंबर 249 से पार्षद, पहली बार जो पार्षद बनकर आई हैं सोनी पांडे। सोनी पांडे डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार हैं।
आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं, एक आज की तस्वीर, इस वक्त की लाइव तस्वीर, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर। यह है भारतीय जनता पार्टी के दो उन उम्मीदवारों की तस्वीर जो मेयर और डिप्टी मेयर, इन दो पदों के उम्मीदवार हैं और अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी दिन पहुंचे हैं। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने 17 अप्रैल को अपने दोनों उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया निभाई उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको मंत्री आतिशी दिखाई देंगी, राज्यसभा के जो सांसद हैं वो दिखाई देंगे और साथ ही शेली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल दिखाई देंगे। शेली ओबेरॉय जहां मेयर पद के उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार के साथ साथ ऑलरेडी वो एमसीडी के मेयर भी हैं, और दूसरी तरफ आले मोहम्मद इकबाल जो कि न केवल अगले एमसीडी चुनाव में डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार हैं बल्कि वर्तमान में वो एमसीडी में बतौर डिप्टी मेयर अपने पद पर आसीन भी हैं। तो डॉक्टर शेली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल को जो चुनौती देने वाले लोग हैं वो आपको पहली विंडो में दिखाई देंगे, यानी कि शिखा राय और सोनी पांडे। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको विंडो के जरिए, तस्वीर के जरिए भी दिखा रहे हैं कि ये वो चेहरे हैं। आप इन चेहरों को याद रख लीजिए क्योंकि यही वो चेहरे हैं जो आगे चलकर इनमें से कोई एक जीतेगा और आपके दिल्ली के विकास की बागडोर संभालने वाला है। आपकी गली साफ होगी या नहीं इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। अगर आपके घर के बाहर नाला बहता है उसको आपको साफ करवाना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर आपके आसपास के इलाके के विकास तक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी आवश्यकताएं हैं आपके एरिया की, वो सब, यहाँ तक कि जो प्राइमरी एजुकेशन है बच्चों की, जो छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं प्राइमरी स्कूल में, वो भी एमसीडी के है। तो ऐसे में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, साफ सफाई हो, कूड़े का निदान हो, ये वो सारी बातें हैं जिसके लिए मेयर और डिप्टी मेयर का, या कहें कि सही व्यक्ति का मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर होना बहुत ज़रूरी है। कौन है सही व्यक्ति ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, और कौन सी है वो सही राजनीतिक पार्टी जिस पर दिल्ली की जनता भरोसा जताएगी, जिस पर दिल्ली की जनता अपना विश्वास दिखाएगी, वो भी हमें नतीजों के बाद पता लग जाएगा। लेकिन नतीजों से पहले ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख लीजिए, आप अपने उन चेहरों को पहचान लीजिए जो आपके विकास के लिए नामांकन भरने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की एमसीडी की मेयर और डिप्टी मेयर की सीट पर बैठने के लिए नामांकन भरने के लिए आए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की वो दो उम्मीदवार हैं, दोनों ही महिलाएं हैं, शिखा राय और सोनी पांडे। दूसरी तरफ मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की ओर से डॉक्टर शेली ओबेरॉय हैं जो कि महिला हैं, लेकिन डिप्टी मेयर पद पर आले मोहम्मद इकबाल को ही फिर से एक बार मौका मिला है। तो सोनी पांडे वर्सेस आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर पद के लिए, और मेयर पद के लिए शेली ओबेरॉय और उनके सामने शिखा राय। इससे पहले रेखा शर्मा थी जो कि शेली ओबेरॉय के सामने थी बीजेपी की ओर से। इस बार बीजेपी ने दो नई चेहरों को मौका दिया है और दोनों ही महिलाएं हैं। नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि अगर आप थोड़ी सी भी चूक कर दें, अगर आपके पेन से थोड़ा भी इधर उधर मार्क हो जाए तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। नामांकन रद्द न हो, आपके उम्मीदवार का नामांकन सही ढंग से भरा जाए, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की उपस्थिति ज़रूरी है। बीजेपी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से आपने देखा होगा कि देखिए कितने बड़े बड़े नेता जो हैं और भी जो दूसरे पार्षद हैं वो भी उनके साथ पहुँचे हैं। कारण इतना ही कि नामांकन सही ढंग से भरा जाए, नामांकन रद्द न हो, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आपके एप्लीकेशन फॉर्म में न हो, जिसे नामांकन का पत्र कहा जाता है, नामांकन पत्र में कहीं भी कोई फॉल्ट ना हो, इसकी जिम्मेदारी होती है उम्मीदवार पर। तो ऐसे में देखिए, पढ़े लिखे उम्मीदवारों का होना बहुत ज़रूरी होता है, और इस बार हमने ये भी देखा कि एमसीडी के चुनाव के लिए जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर पद का के उम्मीदवारों का चयन हुआ वो इसी आधार पर हुआ कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन न केवल राजनीति बल्कि समाज सेवा के कामों में लगा हुआ है। एक तरफ शिखा राय है जो कि बतौर वकील लोगों की समस्याओं को उठाती हैं, उन्हें न्याय दिलाती हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर शेली ओबेरॉय हैं जो कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। उन्होंने बतौर शिक्षिका भी काम किया है कॉलेज में, वो पढ़ाती भी रही हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर हम आपको जल्द ही सुनाएंगे कि शिखा राय नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कह रही हैं। नामांकन दोनों महिलाएं दाखिल कर चुकी हैं, अब इसके बाद वो क्या कहती हैं, नामांकन दाखिल करने के बाद दिल्ली की जनता से वो क्या अपील करती हैं, किस तरह से वो वोट मांगती हैं और किस तरह से वो दिल्ली के विकास का रोड मैप तैयार करके यहाँ पर पहुँची हैं, जल्द ही वो साझा करेंगे मीडिया से, हम आपको बताएंगे। और इसके बाद आप तय कीजिएगा कि आप किसे वोट करना चाहते हैं,
कौन आपके लिए ज्यादा सही है, लेकिन सबसे जरूरी यही होता है कि आप जिसे चुनने वाले हैं उन चेहरों से आपका परिचय होना बहुत जरूरी है। ये वो चेहरे हैं जो आते हैं कुछ छोटे छोटे वार्ड से, लेकिन अगर इन्हीं में से कोई जीत जाता है तो फिर वो पूरी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेगा, वो पूरी दिल्ली के विकास के लिए जिम्मेदार होगा, वो एमसीडी के हर उस काम के लिए जिम्मेदार होगा, बजट सैंक्शन के लिए जिम्मेदार होगा जिससे दिल्ली की तस्वीर बदल सकती हो। तो देखिए शिखा राय कौन है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। ग्रेटर कैलाश के वार्ड नंबर 173 से पार्षद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो दो बार पार्षद रह चुकी हैं, दो बार काउंसलर का चुनाव जीत चुकी हैं। पेशे से एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करती हैं कोर्ट में। तो एक पढ़ा लिखा नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए बीजेपी। और इसी के साथ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखाएंगे कि जो डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार हैं जिनका नाम सोनी पांडे है, वो कौन है। सोनी पांडे दरअसल बीजेपी की ओर से डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं, डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार हैं, आले मोहम्मद इकबाल के खिलाफ ये चुनाव लड़ने वाली हैं, और वार्ड नंबर 249 से ये पहली बार पार्षद बनकर आई हैं, वार्ड नंबर 249। तो ये बीजेपी के वो दो बड़े चेहरे जो कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को लाने की बीजेपी की, हम सबके पास जाएंगे, उनसे अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, अपने प्रोफाइल को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे, बाकी निर्णय जो भी पार्षद सब चीज को देंगे। क्या आप लोग आम आदमी पार्टी और निर्दलीय पार्षदों से संपर्क कर रहे हैं? देखिए चुनाव है तो जो भी वोटर है इसमें पूरी वोटर लिस्ट है 250 पार्षदों की, सबसे संपर्क करूंगा जी, क्योंकि मैंने कहा मेयर पार्षदों का होता है, पूरे 250 पार्षदों का है, तो हमारा अधिकार है सबसे, वो वोटर है तो उनसे बात करने का करेंगे उनसे बात। तो देखिए शेखर राय और सोनी पांडे अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी हैं, और उनके साथ पूर्व मेयर और इस वक्त पार्षद हैं कमलजीत सहरावत, वो भी वहां पर दिख रही हैं, साथ ही मीनाक्षी शर्मा, संदीप कपूर, अलका राघव और प्रिया कमल। धन्यवाद, देखिए चुनाव जो होता है उसमें कभी शुरू में जब कोई भी नॉमिनेशन फाइल करता है तो अपनी पूरी मेहनत के बलबूते पर और अपने कार्यशैली पर ही चुनाव में आगे जाता है, तो ये भी एक प्रकार का चुनाव है, तो प्रयास करेंगे, पूरा अपनी बात सबको रखेंगे, सभी पार्षदों से करेंगे, बाकी जो उनका निर्णय रहेगा। इस बार भी दावा है कि अंतरात्मा की आवाज़ जो सत्तारूढ़ दल है अभी भी वो सुनेंगे उनके पार्षद, जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं आप? मैंने वही कहा जी, मेरा काम इस समय नॉमिनेशन के बाद प्रयास करने का है, 26 तारीख तक मैं जो जितनी वोटर लिस्ट है, जो 250 पार्षद है, मैं उन सबके साथ पास हम जाएंगे, उनको अपनी बात कहेंगे, एक वोटर एक कैंडिडेट की तरह जो वोटर से बात करनी चाहिए वो उनसे करूंगी, बाकी निर्णय लेना 26 को उनका काम है, जो भी निर्णय आएगा। लड़ने के लिए लड़ा जा रहा है कि जीत के लिए लड़ा जा रहा है मैम? चुनाव कोई भी कभी आप लड़ने के लिए नहीं लड़ते, जो भी कोई मैदान में उतरता है तो जीत के लिए ही उतरता है, उसके लिए अपने प्रयास करता है, बाकी निर्णय वोटर का होता है अंत में। आम आदमी पार्टी को तो ये कहने का मौका मिल जाएगा, देखिए ऑपरेशन लोटस फिर से कर रही है बीजेपी। कैसे, जो पिछले दिनों आपने देखा जब महापौर का चुनाव होना था किस प्रकार से उनके पार्षदों ने सदन में जो हंगामे किए, कभी एल्डरमैन को लेकर, कभी किसी और बात को लेकर के, तो ये सब उनके ऊपर में, उनके पास मेजोरिटी है, सदन कैसे चलाना है, उसकी मर्यादाएं कैसे रखनी है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो चुनाव अगर वो स्मूथली होने देंगे तो स्मूथली होगा। आखिरी सवाल, 150 से ऊपर काउंट गया था मेयर की जीत के लिए, इस बार आपको कितना आश्वासन है कि आपके पास इतने वोट हैं? मैंने अभी नॉमिनेशन भरा है, अब इसके बाद इसके प्रोसेस में जाऊंगी, जो भी मेरी एज कैंडिडेट प्रक्रिया होगी, तो मैं ये उसके बाद ही आपको बता पाऊंगी कितने से मेरी बात हुई, कैसी उनका रिस्पांस हुआ उसके बाद। दो टर्म्स की आप पार्षद हैं मैम, आपके व्यक्तिगत संबंध भी होंगे, आम आदमी पार्टी से भी आप अपील करेंगी कि आपके पक्ष में वोट कर? मैं 250 के 250 पूरे जो वोटर लिस्ट में पार्षद हैं उन सबसे अपील करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेयर पद की उम्मीदवार थी शिखा राय, दो टर्म की एक पार्षद हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, दावा अभी भी किया जा रहा है कि जीत के लिए ये चुनाव है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने सुना शिखा राय को, जो कि मेयर पद की उम्मीदवार है, एडवोकेट है, और उन्होंने अपनी ये बात रखी कि चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ा जाता, चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए। तो जीत के लिए मैं सभी 250 पार्षद से
ये गुजारिश करूंगी कि वो मुझे वोट करें, ये बात शिखा राय ने कही है। हालांकि अभी चूंकि उन्होंने नामांकन ताज़ा ताज़ा भरा ही है, कुछ मिनट ही अभी बीते हैं उन्हें नामांकन भरे को, तो फिलहाल वो कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकती। वो ये भी नहीं कह रही हैं कि इस बार अंतरात्मा की आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, बीजेपी को आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो इतना ज़रूर कह रही हैं कि वो अपनी मेहनत में, अपने प्रयासों में, अपनी कोशिशों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। वो कोशिश करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिले और शिखा राय को निजी संबंधों के, व्यक्तिगत संबंधों के नाते भी वो वोट मिले जो उन्हें मिलने चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे पार्षद ऐसे हों जो कि शिखा राय की विचारधारा से जुड़े हुए हों और वो उन्हें वोट करें, तो ऐसे में वो कोशिश करेंगी कि उन्हें वोट मिले। साथ ही देखिए, सोनी पांडे भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं, प्रिया कंबोज, अलका राघव, संदीप कपूर, मीनाक्षी शर्मा और कमलजीत सहरावत इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं।